नमस्ते, मेरा नाम सुमित है और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप की खास सीरीज छुक छुक होता। इस सीरीज में कई राज्यों से होते हुए हम बिहार पहुंच गए हैं। बिहार में मैं जिस जगह पे खड़ा हूं, इस जगह की ऐतिहासिक महत्ता इतनी अधिक है, भारत के पुरातन ज्ञान के विषय में, उसके चर्चाओं के विषय में, उसके दार्शनिकता के हर चीज़ के लिए इस जगह की ऐतिहासिक महत्ता बहुत ज़्यादा है। इस वजह से हम आपको इस जगह से रूबरू करा रहे हैं। ये जगह है नालंदा, बिहार में नालंदा जगह है। नालंदा दो संस्कृत के शब्दों से मिलकर के बना है, नालम और दा। नालम जिसका अर्थ होता है कमल और दा जिसका अर्थ होता है कुंड, यानी कि सरोवर या लेक। जब एक सरोवर में कमल भारत में ज्ञान का प्रतीक होता था, कमल जो इस समय राजनीति का प्रतीक है, राजनीतिक चर्चाओं, बहसों और चौराहों गलियों में जो लोग राजनीतिक परिवाद करते हैं, ये उसका विषय है। लेकिन ये नालंदा उस समय, आज से सदियों पहले, ज्ञान का प्रतीक हुआ करता था। ये विश्वविद्यालय है, ये विश्वविद्यालय हुआ करता था। आज तो ये भग्नावशेष हैं उसके, आज तो ये खंडहर है। लेकिन भारत में जिस तरह से आज आपको ऑक्सफर्ड और बाकी यूनिवर्सिटियों की महत्ता दिखाई सुनाई पड़ती है, वैसा ही कभी भारत की सनातन परंपरा में कहा जाता है कि ऐसा पूरी दुनिया से छात्र नालंदा में आते थे, पढ़ते थे। और यहाँ की प्रवेश परीक्षाओं का एक बड़ा विशेष, यहाँ पर जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता था वो बड़ा ख़ास होता था, उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। और बाकी ये जो जगह है, ये किस तरह से डेवलप हुई, कैसे ये फिर बाद में आज जिस जगह, आज आपको जो भग्नावशेष दिख रहे हैं, वो क्यों लोग आ रहे हैं देखने, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं, सर क्या नाम है आप? आरवी प्रसाद गाइड। आर बी प्रसाद जी की ये खासियत मैं पहले बता दूं इनसे बात करने से पहले, कि नालंदा के बारे में ये हमको बहुत सारी चीज़ें डिटेल में बताएंगे। लेकिन 1983 में प्रसाद साहब अपनी सरकारी नौकरी दलाई लामा के कहने पर छोड़ करके यहाँ पर नालंदा के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए, उसके बारे में बताने के लिए, इन्होंने नालंदा को चुन लिया। और 1983 से आप लगातार यहाँ पर लोगों को नालंदा के बारे में और उस समय की परंपराओं के बारे में जागरूक कर रहे हैं। सर ये बताइए, आइए धीरे धीरे चलते हुए बात करेंगे, कि आपको थोड़ी सी चलने में तकलीफ है, बहुत धीरे धीरे चलेंगे, लेकिन हमें ये बताइए कि जो शुरुआत जो में आप बता रहे थे, यूनिवर्सिटी का जो कंसेप्ट था वो कैसे आया, क्या था और क्यों ये हालत हुई? जी, ये जगह का सबसे पुराना नाम था बड़गांव। हिंदू धर्म में इस जगह का नाम बड़गांव है। और जैन कल्चर जब यहाँ शुरुआत हुई, ऐसा इतिहास है कि भगवान महावीर भी यहाँ 3 वर्षा वास किए थे। उस वक्त में यह जगह का नाम कुंडलपुर है। यहाँ कुछ जैन प्रतिमाएं भी प्राप्त हुई है। और यहाँ से 2 किलोमीटर उत्तर साइड में जैन मंदिर भी है, जो कुंडलपुर दिगंबर से तंबर 2 मंदिर हैं। तो जैन लोग यहाँ से डिसअपियर हो गए, इसलिए कि ईसा पूर्व 300 में बिहार में अकाल पड़ गया। और जैन के 2 गुरु थे, जिनका नाम था स्थूलीभद्र और भद्रबाहू जी। उन्होंने जैन लोगों को कहा कि बिहार में अकाल पड़ गया है, इसलिए आप लोग जान बचाने के लिए बिहार को छोड़कर दूसरे राज्य में चले जाएं। तभी जैन लोग यहाँ से महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक चले गए। अच्छा, एक चीज़ सर ये कि यहाँ पर जो यूनिवर्सिटी के बारे में जब हम आपसे बात करते हैं, आपने कई चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग बताई, कि यहाँ पर ये जो विश्वविद्यालय हुआ करता था उसमें एंट्रेंस एग्ज़ाम बड़ा मज़ेदार होता था, उसके बारे में ज़रा कुछ बताइए। तो यह है, जैन लोग जब यहाँ से चले गए सर, तो इस जगह पर राजा अशोक प्रथम फाउंडर हुए बुद्धिस्ट का। प्रथम उन्होंने स्तूपा बनाया, वह स्तूपा का नाम है सारिपुत्र स्तूपा। सारिपुत्र भगवान बुद्ध के शिष्य थे। भगवान बुद्ध ने यहाँ 3रा उपदेश दिया, पहला उपदेश सारनाथ, दूसरा राजगीर, तीसरा नालंदा में। इसके बाद यहाँ से भगवान बुद्ध प्रोसीड वैशाली चले गए। तो उसके बाद यूनिवर्सिटी बनाई गई बुद्ध के 1000 वर्ष के बाद। बुद्ध आए ईसा पूर्व 600 में और नालंदा यूनिवर्सिटी बनाया गया 5th century AD में। ये यूनिवर्सिटी को कहा गया है कि दुनिया का सबसे पहला बौद्ध यूनिवर्सिटी थी, जिसका एरिया 10 किलोमीटर लंबा, 5 किलोमीटर चौड़ा था। और यह विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों को एंट्री के लिए, एडमिशन के लिए इंटरव्यू देना पड़ता था। इंटरव्यू को बोलते हैं प्रवेश परीक्षा। वह इंटरव्यू गेटमैन लिया करते थे, जिसे बोलते थे द्वारपाल या चौकीदार भी उसका सार्वजनिक नेम है, चौकीदार। चौकीदार मोस्ट इंटेलेक्चुअल होते थे और बड़ी लैंग्वेज का ज्ञाता होते थे। तो चौकीदार का महत्व नालंदा के समय से ही है। यानी कि आज की तरह नहीं हुआ करता था कि किसी भी जो सबसे कम पढ़ा लिखा व्यक्ति है, जो सबसे ज़्यादा मेहनत, तो उसको चौकीदार बनाते थे। उस समय चौकीदार सबसे अधिक पढ़े लिखे व्यक्ति को, और जो बॉडी लैंग्वेज का ज्ञाता होता था, जो दूर से देख के बता दे कि इस व्यक्ति के मन में क्या है, उस व्यक्ति को चौकीदार बनाया जाता था। और वही व्यक्ति होता
होता था जो नालंदा में पढ़ने आने वाले इच्छुक विद्यार्थियों का एग्जाम लिया करता था, एंट्रेंस एग्जाम लिया करता था। आज के जैसा चौकीदार नहीं, आपको चौकीदार और भी बता रहे हैं। हाँ, वो चौकीदार बड़ी लैंग्वेज का ज्ञाता होते थे। आज के चौकीदार तो कम पढ़े लिखे लोगों का रखा जाता है, लेकिन उस समय मोस्ट क्वालिफाइड पर्सन को ही चौकीदार में रखा जाता था, जो बड़ी लैंग्वेज का, साइकोलॉजिकल का ज्ञान रखता था। और हमारे जो है देश को भी एक चौकीदार मिला हुआ है जी। आज हमारे देश में प्रधानमंत्री भी रैली के टाइम में अपने को चौकीदार बोलते हैं, तो चौकीदार का अहमियत बहुत पहले से है। चौकीदार का काम है चोर को पकड़ना, माने गलत आदमी को एंट्री नहीं देना। तो यहाँ भी चौकीदार का ही था कि जो आदमी गलत है, जो इंटेलेक्चुअल नहीं है, उसको नालंदा में एंट्री नहीं मिलता था, और मुश्किल से 100 में 10 विद्यार्थी पास करते थे। जैसे चौकीदार पूछते थे कि भगवान बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया, कितने आदमी को दिया, किस विषय पर उन्होंने उपदेश दिया, जिसका जवाब है कि गौतम बुद्ध का पहला उपदेश सारनाथ में हुई पंचवर्गीय भिक्षु को, और उपदेश को बोलते हैं धर्म चक्र परावर्तन सूत्र। भगवान बुद्ध ने जो हाँ उपदेश दिया है वो चार सत्य पर दिया है। जीवन में दुख है, दुख का कारण है, दुख का निदान है, दुख निदान का मार्ग है। अच्छा, एक चीज़ मुझे ये बताइए, आइए चलते हुए ज़रा सा बात कर लें कि एक चीज़ मुझे, आप चलते हुए बात कर सकेंगे? जी हाँ, चलते हुए। आइए आइए। पैर में दर्द हो जाता है। अच्छा अच्छा, रुकने से दर्द। अच्छा ठीक है, तो एक चीज़ मुझे ये बताइए कि ये जो यूनिवर्सिटी बनी छठी सातवीं शताब्दी फिफ्थ सेंचुरी में, वेन सांग आए यहाँ पे, वेन सांग ने इस यूनिवर्सिटी के बारे में अपने उसमें लिखा किताबों में, और कुछ किताबें यहाँ से ले गए, और बाद में ऑक्सफर्ड यूनिवर्सिटी में उन किताबों को पढ़ करके लोग यहाँ पे आए, तो इसकी खोज होने, ये यूनिवर्सिटी की खोज कैसे हुई? क्योंकि ये तो बिल्कुल समतल थी, ये जिस ढांचे में हम अभी घूम रहे हैं ये खुदाई में निकला है, तो ये खुदाई में जो ये ढांचा निकला है, जो ये यूनिवर्सिटी का भग्नावशेष निकले हैं, ये कैसे पता चला लोगों को कि यहाँ पे कोई यूनिवर्सिटी है, ये इसका किस्सा बताइए। ये प्रथम बात हुआ सर कि एक पुरातत्वविद थे जिनका नाम था हैमिल्टन बुकानन साहब, 1812 में यह जगह को डिस्कवरी किया, और उन्होंने पता लगा कि यह टीला के अंदर में, यह टेकरा के अंदर में नालंदा यूनिवर्सिटी है। वह 1812 में यहाँ पर आए, यहाँ के लोगों से पूछा कि व्हाट इज इनसाइड दिस माउंट, क्योंकि नालंदा बख्तियार खिलजी के द्वारा हमला कर देने के बाद पढ़ाई बंद हो गई थी 12वीं सदी में, और भूकंप में गिर करके एक पहाड़ जैसा माउंट हो गया था। इसको खोज करने के लिए बहुत से लोग आए थे, तो हैमिल्टन बुकानन साहब को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से एक हुएन सांग का बोई मिला, किताब मिला। वो किताब का नाम था सुयुकी। अच्छा, सुयुकी वेन सांग की लिखी किताब थी जो हैमिल्टन साहब को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में मिली, और उसमें उनको पता चला कि वेन सांग किसी भारत में किसी विश्वविद्यालय के बारे में बात कर रहा है। जी, तो हुएन सांग इंडिया में आए, नालंदा में यहाँ पढ़ाई किए हैं, 5 वर्ष एज ए स्टूडेंट रहे, 10 वर्ष यहाँ के टीचर रहे, उनका इंडियन नेम था मोक्ष देवा। अच्छा, जब हुएन सांग यहाँ से चाइना जाने के लिए तैयार हुए पढ़ाई ख़त्म करने के बाद, जी, और 630 में यहाँ से प्रस्थान किए, 630 में आया, 645 में यहाँ से प्रस्थान किए, 15 वर्ष नालंदा में रहे, जी, तो उन्हें 657 किताब गिफ्ट के रूप में दिया गया, जी, जो किताब वो चाइना लेकर चले गए। वो किताबें थी जूडो कराटे, एकुप्रेशर, रेकी, विपश्यना, फेंग शुई, कौटिल का अर्थशास्त्र, परमाणु का फार्मूला, सब इंडिया से चला गया। इसलिए चाइना इंडिया से टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ गया, ज्ञान में आगे बढ़ गया, और यहाँ की किताबें 12वीं सदी में अख्तियारुद्दीन मोहम्मद बख्तियार खिलजी के द्वारा आग लगाकर जला दिया गया। अच्छा, लोग कहते हैं सर कि जब लॉर्ड कर्जन यहाँ पे वो हुआ करता था, तो लॉर्ड कर्जन ने इस जगह पर, क्योंकि ये भग्नावशेष टीला हो गया था, तो लोग गांव बसा चुके थे, बस गांव को उसने मुआवजा देकर के बाकायदा खाली करवाया, तो ये क्या किस्सा रहा? हाँ, जब नालंदा की खोज खबर हैमिल्टन बुकानन साहब के द्वारा हुई, तो 1905 में यहाँ के वायसराय रहे लॉर्ड कर्जन साहब, उन्होंने प्रथम बार पुरातत्व स्थापना किया, भारतीय पुरातत्व विभाग। अच्छा, तो उन्होंने नालंदा के खोज खबर कराने के लिए यहाँ के पुरातत्वविद को भेजा, और उन्हें पता चला कि कोई हिस्टोरिकल चीज़ इस मिट्टी के टीला के अंदर दबा हुआ है,
तब उन्होंने खुदाई करने का आदेश दिया। उन्हीं के खुद आदेश के अनुसार 1915 से 1940 तक इसकी खनन कार्य किया गया। खनन कार्य किया गया है राखालदास बंदोपाध्याय, जॉन मार्शल, दयाराम साहनी, अलेक्जेंडर कनिंगहम डायरेक्टर जनरल थे आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के, उन्हीं के निर्देशन में खुदाई नालंदा के भी हुई और मोहनजोदाड़ो हड़प्पा के भी हुई। अच्छा। खुदाई सिर्फ 1 किलोमीटर हुआ है जिसमें 10 क्लासें पाई गई है और सबसे पहले का ये स्तूप निकला है, जो स्तूप हम लोग देख रहे हैं जी, ये जो स्तूप हम सामने देख रहे हैं, इस स्तूप के बारे में क्या बात? ये स्तूप है सर, भगवान बुद्ध इसी स्तूप के जगह पर उपदेश दिए थे। बुद्ध के शरीर त्यागने के बाद स्तूप बनाया गया है राजा अशोक के द्वारा। यह स्तूप का नाम है सारिपुत्र मेमोरियल स्तूपा, क्योंकि भगवान बुद्ध के एक शिष्य थे जिनका नाम था सारिपुत्र, उनका यहाँ पर जन्म हुई और वहाँ पर मृत्यु हुई, तो उनको मृत्यु होने के पश्चात उनको रैलिस के ऊपर में यह स्तूप मेमोरियल के रूप में बनाया गया है। फर्स्ट इसको बनाए थे किंग अशोका, उसके बाद इसको 7 राजा ने इलाज किया, 7 पीरियड में, जिसका नाम था आपको कुमार गुप्ता, हर्ष एंड 4 किंग्स ऑफ पाला डायनेस्टी, गोपाल, देवपाल, धर्मपाल, गोविंदपाल। स्तूपा पहले बनी है बीच में। अब नालंदा का जो उत्खनन हुआ उसका आपको नक्शा दिखलाता हूँ, उसमें 10 क्लासें दिखलाई गई है। अच्छा, ये जो यूनिवर्सिटी में जो क्लासेस चलती, अच्छा एक लाइब्रेरी वाली बात बड़ी मशहूर है, उसके कहते हैं कि लाइब्रेरी जो है वो जब बख्तियार खिलजी ने लाइब्रेरी जलाई, लाखों करोड़ों किताबें थी और वो कई महीनों तक लाइब्रेरी जलती रही, वो क्या किस्सा है? यहाँ का लाइब्रेरी का अभी तक पता नहीं चला सर, क्योंकि खुदाई भी 80% हुई है। अच्छा। और अकॉर्डिंग टू हुएन संग लाइब्रेरी का नाम था रत्नो सागर, रत्नो दधी, रत्नो रंजक, ये 3 खंड हुआ करते थे। 3 खंड थे और लाइब्रेरी हुआ करते थे धमगंज नामक एक स्थान में। अच्छा। लाइब्रेरी 9 लेवल था, 9 तल्ला था और लाइब्रेरी में 9 मिलियन बुक थे। जब बख्तियार खिलजी ने उसमें आग लगा दिया तो यहाँ की किताबें लगभग 6 महीने तक आग में जलता रह गया। अच्छा, चलते रहे। उसके बाद नालंदा का इतिहास को लोगों को पता नहीं चला, मिट्टी का टेकरा हो गया, लोग नालंदा को भूल गए और बाबर से लेकर औरंगजेब तक शासन हुई। इसके बाद 200 वर्ष तक ब्रिटिश शासन किए। रिसेंटली नालंदा का पता लगाया गया 1812 में और खुदाई 1915-1940 तक हुई जी। जिसका नक्शा आप लोगों को दिखलाता हूँ, जो 10% हिस्सा इसकी खुदाई हुई है, यही मास्टर प्लान है। बाबू थोड़ा 2 मिनट बाद फोटो खींच लेना, थोड़ा इधर होइए तो। हाँ जी सर, ये नक्शा है जो खुदाई के बाद हमें मिला था। ये हम लोग नालंदा के मास्टर प्लान पर खड़े हैं। हम लोग नालंदा के कॉम्प्लेक्स में न्यू गेट के द्वारा आ गए हैं, क्योंकि इतिहास बताता है कि नालंदा में 4 गेट थे, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम में, लेकिन अभी 10% खुदाई होने के कारण कोई भी असली गेट नहीं मिला है, तो न्यू गेट ब्रिटिश के द्वारा बनाई गई है। ये न्यू गेट के द्वारा हम लोग यहाँ पर आ गए हैं और देखिए गिनती में 10 क्लासें मिली है। अच्छा, ये जो सारी हैं ये क्लासेस हैं, 10 ही कक्षाएं अभी तक मिली हैं जी, लेकिन एक क्लास और ज्वाइन है, इसलिए टोटल मिलाकर 11 कहा जाता है। अच्छा। क्योंकि ये जो सेकंड नंबर क्लास है इसमें डबल है, इसको गिनती करके मैं दिखलाता हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। अच्छा। गिनती में तो है 11, लेकिन टोटली इसको कहा जाता है दृश्य के अनुसार की 10 दिखलाई पड़ता है, लेकिन ये 1 में 2 है। तो एक क्लास में 100 बच्चे बैठकर पढ़ते थे। टोटल नालंदा में स्टूडेंट थे 10,000 और टीचर की संख्या 1,500। 7 स्टूडेंट को केयर टेकर के रूप में 1 टीचर रहते थे। 100 विद्यार्थी 15 टीचर रहते थे एक हॉल में। 7 विद्यार्थियों को 1 शिक्षक मिलता था। अच्छा, एक चीज़ ये भी देखने वाली है प्रसाद साहब कि उस समय शिक्षक और छात्र अनुपात कितना स्वस्थ हुआ करता था, कि 7 जो छात्र हुआ करते थे उनको 1 शिक्षक मिलता था, तो जाहिर सी बात है कि वो 7ों छात्रों पर बराबर का ध्यान दे सकता था, बराबर उनको ज्ञान दे सकता था। तो लेकिन अब जो है हमारा जो शिक्षक और छात्र अनुपात है वो बड़ा गड़बड़ है। बड़ा गड़बड़ है अभी तो। सही शिक्षक वही होते हैं जो विद्यार्थियों को, लास्ट विद्यार्थियों को ध्यान में रखकर बातें बोलते हैं। इसलिए यहाँ 7 विद्यार्थी पर 1 टीचर था कि सभी विद्यार्थी लाभान्वित हो गए और एक हॉल में
100 विद्यार्थी के साथ 15 टीचर रहते थे। नालंदा यूनिवर्सिटी रेजिडेंशियल थी, एजुकेशन फ्री था, खाना पीना रहना फ्री होता था। जो विद्यार्थी एडमिशन पा जाते थे वहाँ उनको पढ़ाई करना पड़ता था। फर्स्ट ईयर के विद्यार्थी को बोलते थे अनागारिक माने उपासक, क्योंकि बौद्ध धर्म का उपासक बोला जाता है। सेकेंड ईयर श्रामनेर, उसके बाद सकदागामी अनागामी, तब अरहत होते थे। यहाँ पढ़ाई लिखाई का माध्यम पाली और संस्कृत था, अंग्रेजी हिंदी उस वक्त में थी नहीं। और यहाँ के इम्पोर्टेंट टीचर का नाम सुनिए, इम्पोर्टेंट टीचर का नाम है नागार्जुना, आर्यदेव, वसुबंधु, धर्मपाल, सुविष्णु, दिग्नाग, धर्मकृति, शीलभद्र, दीपंकर, श्रीज्ञान, चरक, सुश्रुत। और हमारे पटना के जो दानापुर है जिसका पुराना नाम खगौल था, वहाँ के टीचर थे आर्यभट्ट। आर्यभट्ट ने बताया पृथ्वी गोल है, सूरज के चारों ओर घूमती है, और पटना गया स्टेशन के बीच में तरेगना एक स्पॉट था जहाँ तारामंडल बना हुआ था, वहाँ पर आज भी लोग आते हैं और ग्रहण, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण वहाँ का दिखलाई पड़ता है, क्योंकि वह पृथ्वी का सेंटर है। तो इतना बड़ा विद्वान हमारे देश में हुए जो आर्यभट्ट हुए, जिन्होंने शून्य का आविष्कार भी किया, लेकिन उन्हें वैल्यू नहीं दिया गया। भारत जो है वो शिक्षा का, शिक्षार्थियों का, शिक्षकों का देश है, और इस समय हम जहाँ खड़े हैं ये शिक्षा का बड़ा महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक स्थल है। अच्छा प्रसाद साहब, थोड़ा आगे चलते हुए हम किसी क्लास के बारे में भी अगर बताते चलें तो वो और बेहतरीन हो जाएगा लोगों के लिए। जी हाँ, हम लोग एक क्लास चलेंगे, 10-11 में से किसी एक को देख लेंगे, सब सेम टाइप का है। अच्छा, नालंदा यूनिवर्सिटी वाले सभी क्लास में कुआँ है बना हुआ और मंदिर है, किसी किसी क्लास में चूल्हे हैं। तो हम लोग क्लास नंबर 3 चलेंगे, इसमें सभी चीज़ एडजस्ट है, कुछ क्लास में ब्लैंक है, उसमें कुछ नहीं मिला है। तो हम लोग क्लास नंबर, अजय प्रसाद साहब एक चीज़ और है कि कहा जाता है कि दुनिया का पहला ऐसा विश्वविद्यालय था जो आवासीय विश्वविद्यालय था, जहाँ छात्र रहते भी थे। हाँ, तो हम लोग चल रहे हैं क्लास देखने के लिए, उसमें क्लास के बीच में पढ़ने का है और साइड में कमरे में रहने का है, 1 room for 1 monk। रात में रहते थे, दिन में पढ़ाई करते थे, और यह पढ़ाई लिखाई का मुख्य उद्देश्य था निर्वाण की प्राप्ति करना। आइए आप चलते हैं हम लोग क्लास की तरफ, जरा देखें कि जो जिस ऐतिहासिक स्तूपा को देख लिया जाए, ये स्तूपा जो देख रहे हैं 80 फीट ऊंचा स्तूपा है, यह BC में बनाया गया, 272 BC में महाराज अशोक ने बनाया, और अशोक का पुत्र महेंद्र और बेटी संघमित्रा श्रीलंका भी गए बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। ये स्तूपा को नालंदा का लैंडमार्क बोला जाता है, ऐसे आगरा के लिए लैंडमार्क ताजमहल है, वैसे ही नालंदा के लिए यह स्तूपा ही लैंडमार्क है। इसके 4 कोने में 4 टावर हैं, 2 आगे हैं, 2 पीछे हैं। इसके प्रथम फाउंडर किंग अशोका थे, इसलिए बनाया गया कि लोग याद रखेंगे कि हाँ भगवान बुद्ध उपदेश दिए थे, और यह स्तूपा के अंदर में भगवान बुद्ध के शिष्य सारिपुत्र की समाधि दिया गया है। इसके अलावा 3 मंदिर निकला है, जिसको मंदिर को बोलते हैं चैत्य, 1, 2, 3, ये 3 चैत्य है। इसकी मूर्तियाँ म्यूजियम में रखा गया है। नालंदा में जितनी भी वस्तुएं निकली हैं, एंटिक्स मिले हैं, वो सब म्यूजियम में रखे गए हैं। म्यूजियम का टिकट अभी 5 रुपया है, म्यूजियम देखने में 20 मिनट लगता है, और नालंदा यूनिवर्सिटी में देखने का टिकट 40 रुपीज है पर हेड। तो हम लोग एक क्लास चलेंगे, एक क्लास को टच करेंगे, जैसा 1 क्लास है उसी सेम रिपीटेशन है सभी का। आइए देखते हैं क्लास शिक्षा की वो जगह देखते हैं जहाँ पे लोगों को, बच्चों को शिक्षा दी जाती थी और इतनी महत्वपूर्ण और इतनी विविधतापूर्ण, वैविध्यपूर्ण हुआ करती थी कि अभी मैं बात कर रहा था एक लोगों से, तो कह रहे थे कि जो विपश्यना जिसे हम कहते हैं, जो ध्यान, एक ध्यान की विधा है, वो विपश्यना भी यहीं पर खोजी गई थी, और उस विपश्यना को प्लास्टिक सर्जरी ऑफ सबकॉन्शियस कहते हैं। प्लास्टिक सर्जरी ऑफ सबकॉन्शियस इसलिए क्योंकि ये एकमात्र ऐसी ध्यान की विधा है जिससे के आपके जो अंतस का की यादें हैं, जो दुख है, वो मिटाया जा सके। तो आप इस कैंपस पे आप खड़े हैं, इस कैंपस को आप देख रहे हैं जहां पे प्लास्टिक सर्जरी ऑफ सबकॉन्शियस का भी कंसेप्ट आया था। जी प्रसाद साहब, किस तरफ को है सर, मंदिर में प्रथम विद्यार्थी जी खड़ा होकर बुद्धम शरणम गच्छामि बहकर पूजा करते थे। ये मंदिर है जहाँ पे शिक्षा, जहाँ पे शिक्षार्थी पहले आकर के पूजा करते पढ़ लेते थे, उसके बाद अपने क्लास में जाते थे। अच्छा। मंदिर अभी लोक है, इसी मंदिर में दलाई लामा भी 2 बार आ चुके थे। एक बार दलाई लामा शायद अब्दुल कलाम जी के साथ भी आए थे। हाँ, दलाई लामा अब्दुल कलाम जी के साथ 2003 में आए सर,
और 2006 में आए। यहाँ का हुएनसांग मेमोरियल हॉल 2 किलोमीटर आगे है, जिसे चाउन लाई और नेहरू जी बनवाए थे 59 में। उस मेमोरियल हॉल के मूर्ति को उद्घाटन करने के लिए आए थे, उसमें मूर्ति हुएनसांग की बैठाई गई है। अच्छा। जो हुएनसांग के द्वारा जो हुएनसांग की मूर्ति को उद्घाटन किए दलाई लामा जी ने आकर 2000। आइए अब क्लास की तरफ जरा बढ़ते हैं। ये तो रहा कि यहाँ पे ये तो पहले पूजा करने का प्रथम जो यहाँ पे विद्यार्थी आकर के अपना जो है पूजा ध्यान करते थे, उसके बाद वो कक्षाओं की तरफ। ये ढांचा अच्छा, ये जो इस तरफ ये जो ढांचा दिखाई दे रहा है टेम्पल है, और दूसरा ढांचा जो हम लोग आगे देख रहे हैं वो था कॉन्फ्रेंस हॉल। उसमें चार कोने में चार मंदिर बने हुए थे, जो भगवान बुद्ध के चार जगह का इम्पोर्टेंट का महत्व देते हैं। वो चार मंदिर हैं लुम्बिनी, बोध गया, सारनाथ, कुशीनगर, और बीच में एक बड़ा हॉल था जहां विद्यार्थी बैठकर वाद विवाद किया करते थे, डिबेट किया करते थे, इसलिए कॉन्फ्रेंस हॉल के नाम से। वाद विवाद के लिए, डिबेट के लिए, चर्चाओं के लिए एक मंडप बना हुआ था, क्योंकि भारत वाद विवाद का देश है, तर्क वितर्क का देश है, चर्चाओं का देश है। यहाँ पे कभी भी एक रंग या एक वाद की कभी स्थापना नहीं मानी गई, हमेशा उसके लिए प्रतितर्क स्थापित किए गए, उसके लिए वितर्क किया गया, और हमेशा स्वस्थ परंपरा रही सोचने विचारने और दर्शन की। अच्छा, ये जो ढांचा हम क्लास देखने के लिए वहां से आगे बढ़े, और ये जो ढांचा है ये मेरे ख्याल से कक्षा का। जी हाँ, हम लोग कक्षा नंबर 6 में जा रहे हैं। इसमें आप देखेंगे विद्यार्थियों का लेक्चर हॉल और पानी पीने के लिए कुआं, कुआं अष्ट पहल का बना हुआ है, जो बौद्ध धर्म के अष्ट मार्ग का इंडिकेट करता है। और बीच में चूल्हे हैं, वो चूल्हा का प्रयोग 3 काम के लिए होता था। लिखा है आइदर फॉर किचन और फॉर साइंस प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन, या था धातु गलाने के लिए भी होता था, यानी कि एक तरह की वो प्रयोगशाला भी हुआ करती थी, एक्सपेरिमेंट के रूप में था, या तो भोजन बनाने का, दोनों काम होता था। क्योंकि कहा जाता है कि उस समय के जो पुस्तकालय था विश्वविद्यालय का, उसमें ढेरों विज्ञान की भी और जो है उस समय केमिकल इंजीनियरिंग की भी विषय की पढ़ाई थी। जी, थियोलॉजी, ग्रामर, लॉजिक, एस्ट्रोनॉमी, मेटाफिजिक, जूडो, कराटे, एक्यूप्रेशर, बहुत सब विज्ञान में भी थे, बहुत लोग आगे बढ़े हुए थे। और हम लोग नालंदा के 6 नंबर कम्प्लेक्स में, 6 नंबर क्लास में प्रवेश कर रहे हैं। क्लास को मोनास्टरी बोलते हैं, और हम लोग देख रहे हैं कि टूटे हुए खंभे हैं बगल में। ये खंभा की ऊंचाई 20 फीट होती थी, इसके ऊपर छत रहा करता था। अच्छा, मतलब ये खंभे ऊपर हुआ करते थे और यहाँ पे ऊपर छत हुआ करती थी। छत हुआ, और दोनों तरफ गौतम बुद्ध की मूर्ति थी। दो नीचे हम लोग देख रहे हैं, वो मूर्ति उठाकर म्यूजियम में रखा गया, और अंदर जाते वक्त विद्यार्थी बोलते थे बुद्धं शरणं गच्छामि। अभी हम लोग फर्स्ट फ्लोर में, सर ग्राउंड फ्लोर अभी नीचे दबा हुआ है, जो गड्ढा आगे चले हमारी साइड में भूकंप में चला गया था, अगर नीचे का फ्लोर निकाल दिया जाएगा तो ऊपर का गिर जाएगा। अच्छा, इसलिए नीचे का खुदाई बंद कर दिया गया है, और हम लोग अभी नालंदा के फर्स्ट लेवल में चल रहे हैं। और इसमें आप विद्यार्थियों का रहने का हॉस्टल, पानी पीने के लिए कुआं, क्लास देखिए। अच्छा, बड़ी उस समय की व्यवस्था को लेकर बड़ी चर्चा होती है, बहुत क्यूरियोसिटी होती है लोगों को कि उस समय की जो हॉस्टल प्रणाली थी, जो बच्चों के रहने की व्यवस्था थी, आवासीय व्यवस्था थी, वो बड़ी चर्चा का विषय रहती है। क्या खास था उसमें? जी, खास यही था सर कि विद्यार्थियों को नैतिक शिक्षा पर जोर दिया जाता था, और यहाँ अच्छा आदमी थे, जेंटलमैन बनते थे, और बुद्ध का प्रधान जो उद्देश्य था अच्छा आदमी बनाना, और बौद्ध धर्म का आधार है प्रज्ञा, शील, मैत्री और करुणा, लोगों में दया की भावना थी। और यहाँ लोग पढ़ाई गुरुकुल माफिक करते थे, गुरु की आज्ञाओं को पालन करते थे, डिसिप्लिन बहुत कड़ी थी, दिन में बच्चे लोग बैठकर क्लास करते थे। आइए गुरुकुल की ये कक्षाएं भी देख लेते हैं, जो प्रसाद साहब हमें यहाँ पे ले आए हैं। ये जो 11 कक्षाएं मिली थी उनमें से एक कक्षा ये है जहाँ पे कि हम आ गए हैं, और प्रसाद साहब से जानेंगे कि इस कक्षा की विशेषता क्या है। इसमें हमें ये ढांचा जो आपको दिख रहा है, जैसा कि प्रसाद साहब बता रहे हैं कि किनारे का जो ढांचा है ये विद्यार्थियों को रहने की जगह हुआ करती थी, और बीच में उनकी शिक्षा दीक्षा होती थी, और उसके बाद यहाँ पे 2-3 जो है वो चूल्हे थे। तो वो किस तरह से काम करते थे, प्रसाद साहब से पूछते हैं। जी प्रसाद साहब बताइए। हम नालंदा के लेक्चर हॉल में खड़े हैं सर, ये बीच में लेक्चर हॉल है,
और लेक्चर हॉल में 100 विद्यार्थी बैठते थे जी। यह लेक्चर हॉल में 4 चूल्हे भी दिखलाए गए हैं। अच्छा, ये चूल्हा पुराने टाइप का था उस समय, कोई धमन भट्टी। ये 4 चूल्हे, यही जो बीच में 4 ढांचे दिखाई दिए। जी हाँ, 4 ढांचे हैं। उसमें कहा जाता है कि आग डालकर लकड़ी डाल दिया जाता था और मिट्टी के बर्तन में भोजन बनाते थे। और जैसा कि मैंने बताया कि चूल्हा का उपयोग भोजन बनाने के लिए भी था और साइंस प्रैक्टिकल डेमोंस्ट्रेशन के लिए भी था, धातु गलाने के काम में भी आते थे। और ये जो इस तरफ को एक ढांचा वो दिख रहा है और एक ये क्या था? ये दोनों तरफ मंदिर है सर। अच्छा, हम लोग जो फर्स्ट फ्लोर में हैं, ग्राउंड फ्लोर को निकालने के लिए गड्ढा किया गया है। अगर ग्राउंड फ्लोर को पूरा निकाल दिया जाएगा तो मंदिर गिर जाएगा। और बगल में कुआं है, बाएं साइड में वो कुआं अष्टफल है, कुआं में जल अभी नहीं है, विद्यार्थी यहाँ बैठकर पढ़ते थे। अच्छा प्रसाद साहब, ये बताइए कि जैसे हम देख पा रहे हैं, थोड़ी सी जगह दे दीजिए जी प्रसाद साहब, ये जरा कक्षाओं की तरफ, ये इनके रहने वक्त की जगह की तरफ चलते हैं। ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी जगह लग रही है, बहुत कम जगह लग रही है कि इतनी कम जगह में वो छात्र अपने सारे स्तरों को पूरा करता था कई साल में, और यहाँ इसी में वो रहता था और आगे विद्यार्थी के लिए कॉम्प्लेक्स हुआ। सॉरी, ऐसा हाँ ऐसा ये क्या एक रहने की जगह है? 10,000 कमरे थे, क्योंकि अभी 90% खुदाई होना बाकी है। 10,000 कमरे बता 10,000 कमरे थे अभी। एक इस कमरे को देखते हैं भीतर से, अभी 360 कमरा मिला है सर। अच्छा, एक कमरा में एक विद्यार्थी रहते थे, उनके दीपक जलाने के लिए ताखा ही बना हुआ था। अच्छा, ये जो है ताखा है, दीपक जलाने की सीट नहीं थी उस समय, कास्टर ऑयल का प्रयोग करते थे दीपक जलाने के लिए। अच्छा, रात में विद्यार्थी यहाँ सोते थे, कास्टर ऑयल का, कास्टर ऑयल का प्रयोग यहाँ होता था। देयर वाज नो इलेक्ट्रिसिटी इन दोज टाइम, तो यहाँ बच्चे लोग रात में रहते थे और दिन में वहाँ पढ़ते थे। एक कम्प्लेक्स में 33 रूम पाया गया है और 3 लेवल के बच्चे लोग 100 के संख्या में जमा होकर एक जगह बैठकर पढ़ते थे, क्योंकि नालंदा 9 लेवल बिल्डिंग थी। ऊपर छत था क्या? छत था, छत से सब जल गई। नालंदा का बिल्डिंग 6 महीने तक आग में जलता रह गया। ऐसा कथा है कि आग लगाया गया बख्तियार खिलजी के द्वारा, तो पूरा आग पकड़ लिया पूरा विश्वविद्यालय में और 6 महीने तक जलता रह गया जी। और हम लोग बरामदा में खड़े हैं, बरामदा में छत बनी हुई रहती थी। छत के लिए देखिए पिलर का एक, हाँ ये पिलर की जो जगह है ये हमें दिखाई दे रही है कि यहाँ सिर्फ यहाँ से और एक लगातार यहाँ पे पिलर हुआ करते होंगे। ये बरामदा हुआ करता होगा जिसमें छात्रों के रहने की जगह जाने के लिए रास्ता हुआ करता होगा। और कोर्ट यार्ड ओपन रहा करता था। अच्छा, ये ओपन कोर्ट यार्ड था, यहाँ पर क्लासें हुआ करती थी। जब वर्षा होता था तो बरामदा में क्लासें होती थी, ये गुरुकुल सिस्टम थी। गर्मी के दिन में पेड़ के नीचे भी क्लास हुआ करते थे, तो यह गुरुकुल सिस्टम था। विद्यार्थियों को 5 को नियम था, वो झूठ नहीं बोलना है, चोरी नहीं करनी है, नशा का सेवन नहीं करना है, ब्रह्मचारी रहना है, अहिंसा का पालन करना है, एवरीबडी हैव टू फॉलो दी 5 टीचिंग ऑफ बुद्धा। तो यही बौद्ध धर्म को ध्यान में रखकर यहाँ क्लास दिया जाता था और सिर्फ यहाँ बुद्धिस्ट लोग पढ़ते थे। प्रसाद साहब, वहाँ जो जिस ढांचे पे थोड़ी सी हमको भीड़ भी नजर आ रही है, ये क्या था? वो कुआं है सर। अच्छा, वो कुआं कॉम्प्लेक्स को अपना कुआं मिला हुआ है। कॉम्प्लेक्स में कुआं है, कहीं कुआं गोल भी है, ये कुआं अष्टभुज का है, 8 कोने की कुआं है, उसको आप देख सकते हैं जी। अष्टभुज यानी कि अष्ट ऑक्टागनल वेल। ऑक्टागनल वेल भगवान बुद्ध के 8 उपदेश हैं, जिसको बोलते हैं अष्टांगिक मार्ग। अच्छा, उसी का आधार। अच्छा, वही जो अष्टांगिक मार्ग को ध्यान में रखे, इसे 8 भुजाओं वाला। तो, अच्छा, तो प्रसाद साहब की मतलब उस कुएं तक तो पहुंचने का थोड़ा रास्ता भी कठिन है और आपको चलने में थोड़ी तकलीफ है। तो प्रसाद साहब, यहाँ पे ये हमने वहाँ से शुरुआत से वो देखा, क्यों हम लोग बस यही है कुआं जी। कुछ लोग जिज्ञासु होते हैं, कुआं पर जाकर देखते हैं सावधानी से, उतनी जिज्ञासा जो है वो बहुत स्वस्थ नहीं है। तो प्रसाद साहब, हमने पूरी यूनिवर्सिटी देखी, ये क्लास का डेमोंस्ट्रेशन देखा कि ये एक जो कक्षा है वैसी ही बाकी कक्षाएं होती थी। जी हाँ, जनरल लेआउट सबका सेम है, थोड़ा तो बहुत अंतर है। तकरीबन हम लोगों ने अपने दर्शकों को, किसी कक्षा में चूल्हा नहीं है, किसी में है। तो मुझे लगता है कि हमने अपने दर्शकों को तकरीबन नालंदा विश्वविद्यालय का एक मोटा माटी वो दिखा दिया है। जी हाँ, दिखा दिया है। एक देखने से ही सबका आइडिया हो जाता है। प्रसाद साहब, आपका हमारे साथ बात करने के लिए बड़ा शुक्रिया, आपने हमें ये सब कुछ समझाया, आपका बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं सर, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम नीलांबर है। नीलांबर, आप क्या यहाँ घूमने आए हैं?
जी मैं आज यहाँ पे घूमने के लिए आया हूँ और ये जानने के लिए आया हूँ कि जैसा हम लोग सुना करते थे अपने कॉलेज लाइफ में कि ये नालंदा विश्वविद्यालय जो है ये पूरा दुनिया का उस समय के ज़माने में ये दुनिया का टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी था, जहाँ पे हमारे देश के अलावा विदेश से भी बहुत महान लोग यहाँ पे आया करते थे अपने करियर अपने पढ़ाई को लेके। और ये जो विद्यालय है नालंदा विश्वविद्यालय, यहाँ पे सबसे बड़ी बात यहाँ का ये है या खासियत ये है कि यहाँ का जो इंट्रेंस जो लिया जाता था एडमिशन के समय यहाँ के द्वारपाल यहाँ के चौकीदार के द्वारा लिया जाता था। मतलब इससे आप ये समझ सकते हैं कि एक चौकीदार जो रहते थे इस विश्वविद्यालय के गेट पे उनका क्या क्वालिफिकेशन था, क्या नॉलेज था उनके पास जो किसी भी विद्यार्थी का इंट्रेंस के एडमिशन के लिए उनके द्वारा ही इंट्रेंस लिया जाता था, तभी यहाँ पे एडमिशन मिलता था। यानी कि आपको इससे ये पता चल सकता है कि जिस देश में उस कालखंड के समय में एक चौकीदार का क्वालिफिकेशन उतनी हाई प्रोफाइल थी जिसके बाद ही आपको इस विश्वविद्यालय में एडमिशन होता था, उस जमाने में हमारा एक जो एजुकेशन सिस्टम था वो कितना स्ट्रॉन्ग था, कितना मजबूत था, जिसका मैसेज पूरे देश और दुनिया में जाता था। और अब तो चौकीदार की डिग्रियों पे ही सवाल उठ जाता है। नहीं देखिए क्या करिएगा, समय समय के हिसाब से आज के ये कलयुग आ गया, उसमें कलयुग नहीं था, ये कलयुग में सच्चाई को लोग नहीं जानते हैं, सच्चाई का साथ नहीं देते हैं, अपना पर्सनल नीलांबर युग की बात कर रहे हैं आप, कलयुग सतयुग तो मैं उन युगों को तो नहीं मानता, लेकिन हाँ ये ज़रूर मानता हूँ कि जिस कॉम्प्लेक्स में हम खड़े होकर के शिक्षा की ऐतिहासिकता पर बात कर रहे हैं, ये एक विश्वविद्यालय था, ये एक यूनिवर्सिटी थी, लेकिन अब यूनिवर्सिटी का ज़माना व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का है। अब लोग व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर आपके हाथ में एक मोबाइल पकड़ा हुआ है, वो पूरा विश्वविद्यालय है लोगों के लिए। मुझे भी सुबह मेरे घर से 50 मैसेज आते हैं जो सिर्फ एक सेकंड के हजारवें हिस्से में वो क्लिक होकर के फॉरवर्ड हो जाते हैं। तो ये व्हाट्सएप एक दौर है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी इस समय, ये बड़ा सिंबॉलिक है, ये बड़ा आयरनी है, ये बड़ी विडंबना है कि हम नालंदा विश्वविद्यालय के भीतर हाथ में व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी लेके खड़े हैं। इस समय व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी इस विश्वविद्यालय में है। अगर कहीं बुद्ध देख रहे होंगे, अगर कहीं छात्र देख रहे होंगे, हमारी पुरातन शिक्षा व्यवस्था देख रही होगी तो ज़रूर मुस्कुरा रही होगी कि अब वो उस विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय से व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का दौर आ गया है। जी 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 जी, जांचने का कोई प्रक्रम नहीं है, फिल्ट्रेशन की कोई प्रक्रिया नहीं है, और सीधा आपके पास आया और आपने ठग से उसको आगे भेज दिया। जी यही है हमारे अभी जो ये यंग जनरेशन का जमाना चल रहा है, जैसे कि माना जा रहा है कि ये हमारा भारत देश जो है युवाओं का देश बहुत जल्द ही घोषित होने वाला है, बनने वाला है, लेकिन हम जो युवा हैं ये अपनी जो चीज़ें हैं वो कोई भी मैसेज आता है वो एक दूसरे को सिर्फ शेयर करते हैं, ना कि उस पर उसकी गहराई तक जाना चाहिए, हमें उसकी विशेषता को जानना चाहिए कि इसका इतिहास क्या रहा है। जो आज हम जैसे कि हम लोग यहाँ पे आज हम आए हुए हैं देखने के लिए, जानने के लिए कि हमारा ये नालंदा यूनिवर्सिटी का इतिहास के बारे में, तो जैसे भी हम लोग जो भी चीज़ें मिलता है हम लोग शेयर कर देते हैं। हमें ऐसा लगता है कि इस इतिहास को जानना चाहिए कि ये जो यूनिवर्सिटी है इसके बारे में क्या था पहले, क्यों ऐसा हुआ, क्यों ऐसा किया गया, और जैसे और इससे ये हमें मालूम चलेगा कि जैसे कि दूसरे देश है चीन वगैरह है आज जो डेवलप हो गया है, और उसका डेवलप होने का रीज़न ये है कि यहाँ से जो किताबें चीन के उस समय जो महान आक्रांताओं थे उन लोगों ने चोरी करके ले जाने के बाद वो डेवलप हुआ है, लेकिन उससे पहले इन ये किताबें जो थे ये हमारा देश में थे, और इससे अगर आज इसको नहीं विध्वंस नहीं किया जाता तो मे भी हमारा देश आज टेक्नोलॉजी पे वर्ल्ड में नंबर वन रहता होता, विश्वास है, आशा है, उम्मीद है। बहुत शुक्रिया नीलांबर आपका। हम इस समय भग्नावशेषों में खड़े हैं नालंदा विश्वविद्यालय के खंडहरों के बारे में कहा जाता है, मेरा मानना है कि खंडहर समय की छाती पे लिखी हुई कविताएं होते हैं, खंडहर समय के लिए कहे गए किस्से होते हैं, कहानियां होते हैं, जिनमें के आपको बाद में उन्हें डिकोड करना होता है। इसको आप किस तरह से डिकोड करते हैं, मैं अभिभूत हूँ यहाँ पे आकर के खड़ा हूँ। और हज़ार साल पुरानी एक पुरातन व्यवस्था है, विश्व में हमारे लिए गर्व करने का एक विषय है, और इस सीरीज़ में आपको हम नालंदा ले आए हैं, नालंदा विश्वविद्यालय दिखाया जो पुरातन समय में नालंदा विश्वविद्यालय हुआ करता था, उसके भग्नावशेष दिखाए। इस सीरीज़ में, इस खास सीरीज़ में छुक छुक होता है मैं, हमारे साथ बने रहिए। मैं हूँ सुमित और कैमरे के पीछे रूहानी। बहुत बहुत शुक्रिया।